तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आर्य टेक्निकल। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा आप किस प्रकार से अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस को इन 2024 विदाउट मैजिक, विदाउट TWRP रिकवरी, विदाउट PC के दोस्तों बहुत ही आसानी से रूट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं अपना डिवाइस चेक करके आपको दिखा देता हूं, जो कि दोस्तों नॉन रूटेड एंड्रॉइड डिवाइस है। इसको दोस्तों मैं आपके सामने विदाउट एनी रिकवरी के रूट करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दे दिया है, वहां पर से जाकर दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको iRoot एप्लीकेशन अपने डिवाइस के लिए डाउनलोड कर लेनी है। जी हां दोस्तों, iRoot के लेटेस्ट वर्जन का लिंक मैंने आपको दिया है, इसलिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन पर से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों iRoot को आपको कर देना है अपने डिवाइस में इंस्टॉल। इंस्टॉल करते वक्त दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से प्ले प्रोटेक्ट की वार्निंग आएगी, इसको दोस्तों सिंपली से आपको इंस्टॉल एनीवे अनसेफ पे क्लिक कर देना है। क्लिक आप जैसे ही करेंगे दोस्तों आपके डिवाइस में जो iRoot है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं iRoot हमारे को देखने को मिल चुका है। अब दोस्तों आपको बड़ा इसकी सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर से आपको चले आना है अपने अबाउट फोन पे। अबाउट फोन पे आने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर में एक वर्जन का ऑप्शन। जी हां दोस्तों, वर्जन पे क्लिक करना है। वर्जन पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा एक बिल्ड नंबर का ऑप्शन। बिल्ड नंबर पे दोस्तों आपको कर लेना है 7 टाइम प्रेस। 7 टाइम आप जैसे प्रेस करेंगे दोस्तों आपके डिवाइस का जो डेवलपर ऑप्शन है वो सक्सेसफुली एनेबल हो जाएगा। मैं दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से एडिशनल सेटिंग में जाकर दिखा देता हूं। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों ओपन करने के बाद एक बार चेक कर लेना है कि आपका डेवलपर ऑप्शन एनेबल्ड है या फिर नहीं। जी हां दोस्तों, एनेबल नहीं होगा तो इसको सिंपली से आपको क्लिक करके ओके करके इसको एनेबल कर लेना है। एनेबल करने के बाद दोस्तों यहां पर से हो चुका है आपका काम कंप्लीट। अब दोस्तों सिंपली से आपको बैक आ जानी है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपका काम आता है अपने डिवाइस में जो iRoot के लिए दोस्तों एक नेसेसरी चीज है, एक नेटवर्क अच्छा होना। नेटवर्क अच्छा होने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से एक VPN की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों सिंपली से आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको सर्च कर लेना है सिक्योर VPN। जी हां दोस्तों, सिक्योर VPN आप जैसे सर्च करेंगे गूगल में आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से सर्च कर लेना है सिक्योर VPN APK डाउनलोड करके। देन दोस्तों थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको APK प्योर की वेबसाइट देखने को मिल जाएगी या फिर दोस्तों कोई भी सी फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिलती है, वहां पर से जाकर दोस्तों आपको सिक्योर VPN का APK डाउनलोड कर लेना है। जी हां दोस्तों, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको सिंपली से ब्राउजर से जाकर ही इसको डाउनलोड करना है। यहां पर से सिंपली से दोस्तों मैं डाउनलोड पे कर देता हूं क्लिक। डाउनलोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपकी जो सिक्योर VPN की एप्लीकेशन है आपके डिवाइस में इंस्टॉल या फिर डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, डाउनलोड कंप्लीट भी हो चुकी है। दोस्तों इंस्टॉलिंग प्रोसेस पे दोस्तों इस एप्लीकेशन को यहां पर मैं कर देता हूं क्लिक। जी हाँ दोस्तों, हमारा इंस्टॉलिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा दोस्तों सिक्योर VPN एप्लीकेशन सक्सेसफुली हमारा डिवाइस में इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों सिंपली से आपको कर देना है इस एप्लीकेशन को ओपन, एग्री पे क्लिक करना है दोस्तों। देन आपकी जो सिक्योर VPN एप्लीकेशन है दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस इस एप्लीकेशन का देखने को मिल जाएगा। देन दोस्तों आपको ऊपर में एक कट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कट पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक आप जैसे करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर एक परमिशन आएगी, परमिशन आपको दे देनी है। देन दोस्तों बीच में आपको कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कनेक्ट पे आपको कर देना है क्लिक। कनेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपका VPN सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों आपको अपना iRoot एप्लीकेशन कर लेना है ओपन। iRoot ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से सभी परमिशन आपको अलाउ एक्सेस प्रोवाइड करा देनी है। देन दोस्तों आपको आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आपको फुल स्क्रीन पे इस एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको iRoot का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको दोस्तों सिंपली से गेट रूट एक्सेस वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक आप जैसे ही करेंगे दोस्तों आपका जो रूटिंग प्रोसेस है वो ऑन हो जाएगा। आपको दोस्तों थोड़ा सा 1 से 2 मिनट वेट कर लेना है। 1 से 2 मिनट सक्सेसफुली वेट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपके रिजल्ट का वेट नहीं करना है। दोस्तों iRoot में आपको सिंपली से बैक आ जानी है होम स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं दोस्तों आपको 2 से 3 मिनट वेट कर लेना है, होम स्क्रीन पे चले आना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों जैसे ही आप रूट चेकर को ओपन करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा डिवाइस यहां पर रूट सक्सेसफुली दिखा रहा है मेरा डिवाइस। दोस्तों कांग्रेचुलेशन, रूट एक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड मेरे को शो हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अगर आप iRoot की इस मेथड को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका डिवाइस भी दोस्तों इस मेथड से रूट हो जाने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।